तो टीम इंडिया इस समय बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है और ये मुकाबला चट्टग्राम में खेला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में खेला जाएगा मीरपुर में, और उसी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के लिए अवेलेबल होंगे। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि इस समय रोहित शर्मा जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में है बेंगलुरु में, वहां पर उन्होंने अभ्यास भी किया है और फिटनेस रिपोर्ट उनकी आई है जहां पर कि क्लियरेंस उनको मिल गया है कि वो पूरी तरीके से फिट है, मैच में हिस्सा ले सकते हैं। और जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि संडे को वो बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे, चट्टग्राम पहुंच जाएंगे, वहां पर भारतीय टीम को ज्वाइन कर लेंगे और दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था रोहित शर्मा के लिए, हम सबके लिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से रोहित शर्मा हमारे लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जहां पर कि रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली अब दूसरे टेस्ट मैच में आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे, वहां पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। और टीम इंडिया के लिए वाकई में अच्छी खबर है और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरीके से वो फिट हो गए। जो उनका हाथ कटा था, थंब जो उनका कट गया था, आपको याद होगा जो दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था उसके बाद वो तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेले थे, पहले टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो आपके दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे और संडे को कहा जा रहा है कि वो भारतीय टीम को ज्वाइन कर लेंगे चट्टग्राम में, क्योंकि संडे तक ये टेस्ट मैच चलेगा और नहीं भी चलेगा तो भी शेड्यूल के हिसाब से भारतीय टीम संडे को चट्टग्राम में ही रहेगी और वहीं पर भारतीय टीम को ज्वाइन करेंगे कप्तान रोहित शर्मा। और जो दूसरा टेस्ट मैच है जो कि 22 तारीख से खेला जाएगा वहां पर भारतीय टीम को लीड करेंगे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और उम्मीद करेंगे कि रोहित के बल्ले से टेस्ट मैचेस में जोरदार परफॉर्मेंस निकले, क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट्स को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें 4 टेस्ट मैच खेलना है और वहां पर रोहित शर्मा का रोल एज अ कैप्टन, एज अ ओपनर बैट्समैन बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो यू नो वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि कम से कम यू नो व्हाइट बॉल यू नो रेड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा का जो बल्ला है वो जोरदार तरीके से बोलता हुए नजर आएगा और लंबी लंबी पारी खेलते हुए रोहित शर्मा नजर आएंगे। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।